आज लाया हूँ आपके लिए स्मूथ एंड रफ डिजाइनिंग वाला जो कि है Vivo V29e और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो हम यहाँ पे खुल के ऑनेस्टली बात करने वाले हैं इसकी अच्छाई से लेके इसके बुराई तक सब कुछ, और ये जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हैं इसको अनबॉक्स। और बॉक्स भी मोबाइल की तरह स्टाइलिश है। सबसे ऊपर ही अपना मोबाइल आ जाता है जिसे हम बाद में देखेंगे, और उसके नीचे आता है सिलिकॉन कवर जिसकी क्वालिटी ठीक है, नॉट ग्रेट नॉट बैड, और कुछ पेपर्स जो कि किसी काम के होते नहीं है। और नीचे चार्जिंग अडैप्टर आता है जो कि 44 वाट का फ्लैश चार्जर मिल जाता है जो कि फास्ट होता है। इसकी भी चार्जिंग टेस्ट हम करेंगे एंड इसकी A to C टाइप केबल मिल जाएगी। एंड लास्ट में आती है अपनी सिम इजेक्टिंग टूल। अब आ जाते हैं अपने मोबाइल पर, करते हैं इसे रिप आउट। देख खुल जा, इन एंड फीलिंग तो फ्लैगशिप वाली आ रही। सो बात करते हैं इसके डिजाइनिंग की। बैक पैनल ड्यूल टाइप में है जिसमें से एक साइड में ग्लॉसी एंड दूसरी साइड में रफ मैट फिनिश डिजाइन मिल जाएगी, बट हाथ लगाने से स्मूथ से ज्यादा स्मूथ ये लगता है। इसका बैक पूरा ग्लास का है लेकिन लगता नहीं है, देखने से इधर वाली साइड प्लास्टिक की लगती है। और वैसे इसमें कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जो धूप में कलर चेंज कर लेती है, तो उसका भी हम टेस्ट करके देखेंगे। इसके अलावा इसमें दो बड़े बड़े कैमरा है जिसमें गोल्डन कलर के रिंग है, और साथ ही ड्यूल LED फ्लैश भी। और कैमरे के नीचे OIS को मेंशन किया गया है जो कि इसके कैमरे में है। और फिर आती है Vivo की ब्रांडिंग। इसकी फ्रेमिंग प्लास्टिक की है, कॉर्नर्स में कर्व्ड है, साइड में आती है पावर बटन वॉल्यूम अप डाउन की, एंड अपर साइड में आता है नॉइस कैंसिलेशन, और लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं आता है। बॉटम साइड में आता है स्पीकर, सी टाइप पोर्ट, माइक एंड सिम 2 जो कि आपको हाइब्रिड मिल जाएगी, एक साइड में नैनो सिम और दूसरी साइड में नैनो सिम या मेमोरी कार्ड, जिससे आप इसकी स्टोरेज को और भी इंक्रीज कर सकते हो। इसके डायमेंशन की बात की जाए तो इसकी हाइट 164 mm है, उसकी चौड़ाई 75 mm के आसपास है, एंड थिकनेस इसकी 7.5 mm है जो कि बहुत ही पतला है। उसका वेट लगभग 180 ग्राम। बात करें डिस्प्ले की तो पंच होल डिस्प्ले मिलेगा जिसकी साइज 6.78 इंचेस है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 19.1% है। इसका मतलब है इसके बेजल्स काफी विजिबल होने वाले। अपर साइड में थोड़े से बेजल्स है लेकिन बॉटम साइड में उससे थोड़े ज्यादा है, और जो इसके साइड बेजल है वो भी थोड़े नोटिसेबल है। 1 बिलियन कलर्स के साथ में HDR+ AMOLED कर्व डिस्प्ले जिसका रेजोल्यूशन 1080x2400 pixels के साथ 388 ppi डेंसिटी है। यहाँ पे आपको 1080x60 fps की क्वालिटी मिल जाएगी। रिफ्रेश रेट 120Hz का है एंड ब्राइटनेस 1300 nits तक है। इसके ब्राइटनेस के साथ इसके कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी का टेस्ट भी कर लेते हैं। इसका कलर चेंजिंग का फीचर इतना अच्छा नहीं है जितना Vivo का Y100 का था, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी कुछ हटके। जैसे आप इंडोर में देख सकते हो ये डार्क रेड कलर का है, लेकिन जब हम बाहर ले गए थे तो ये डार्क ब्राउन हो गया था, उसको देखने से ब्लैक कलर दिखता है, जो कि आपको इंडोर में ही दिखा सकता हूं मैं। अगर ये लाइटिंग में देखेंगे तो कलर डिफरेंट दिखेगा, अगर इसे इस साइड से देखेंगे तो कलर थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें इन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, पैटर्न लॉक, पिन लॉक, और साथ ही कॉम्प्लेक्स पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसमें ऐप लॉक, फाइंड माय डिवाइस का ऑप्शन भी मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट भी हम सेट कर लेते हैं, फेस लॉक भी सेट कर लेते हैं। अब देखते हैं फिंगरप्रिंट फास्ट है या फेस लॉक। फेस लॉक तो जस्ट क्लिक करने पर ही खुल रहा है, फिंगरप्रिंट को 1 सेकंड के लिए लगाना पड़ता है। तो देखा जाए तो दोनों की ही सेम स्पीड है। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें दो वेरिएंट आते हैं, 128GB स्टोरेज और 256GB स्टोरेज। रैम आपको दोनों ही वेरिएंट में सेम मिलेगी जो कि डिवाइडेड है 8+8 में, 8GB एक्सपेंडेबल है जो कि आप अपने यूजर्स के हिसाब से इसे चेंज कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको एंड्रॉइड 13 और Vivo का फंटच OS 13 मिल जाएगा। चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 है, CPU ऑक्टा कोर 2.2 GHz का है, GPU Adreno 619 है जो कि हाई लेवल गेमिंग के हिसाब से इतना कोई खास नहीं है। वैसे इसकी टेस्टिंग भी हम गेमिंग में कर ही लेंगे। फीचर्स की बात करें तो 5G फोन तो ये है ही, उसके साथ में बेसिक सभी फीचर्स इसमें मिल जाएंगे जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, डिवाइस कंट्रोल, आई प्रोटेक्शन, बैटरी सेवर, डार्क थीम, नियर बाय शेयरिंग, रिकॉर्डिंग स्क्रीन, डू नॉट डिस्टर्ब, स्प्लिट स्क्रीन जिसमें दो स्क्रीन को आप स्प्लिट कर सकते हो, Vivo शेयर स्कैनर, अल्ट्रा गेम मोड, स्मार्ट मिररिंग, Vivo शेयरिंग। आप इसमें यूजर भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऑनर के हिसाब से मोबाइल रखना है या गेस्ट के हिसाब से रखना है या अदर यूजर के हिसाब से रखना है, वो आप सब कुछ यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। उसके एडिट में आओगे तो यहाँ पे कलर इन्वेंशन, डाटा सेवर, स्क्रीन कास्ट, मिनी स्क्रीन मोड जिसमें स्क्रीन बहुत ही छोटी हो जाएगी, एक्स्ट्रा रेम, स्टोरेज फाइल, फोकस मोड, बैक टाइम मोड, ये सब कुछ आप सेट कर सकते हो। इसका ट्रिपल यूजर मोड मुझे बहुत ही सही लगा, सेफ्टी पर्पस के हिसाब से बहुत ही अच्छा फंक्शन है। इसके डायनामिक इफेक्ट्स बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए इस पे स्पेशल वीडियो बनाना तो बनता है। तो इन सभी डायनामिक इफेक्ट्स की बात हम उसी वीडियो में करेंगे। अभी करते हैं इसका साउंड टेस्ट। वैसे तो इसमें एक ही स्पीकर है, तो क्या ये एक स्पीकर से अच्छा साउंड करेगा, चलिए देखते हैं। इसमें 100 के बाद में डायरेक्टली 150 और 200 भी आता है, वाओ। और 200 में तो साउंड इसका बहुत ही ज्यादा लाउड है यार। सो एयर स्पीकर से इसमें साउंड नहीं आता है, इसमें से बॉटम स्पीकर से ही साउंड आता है, इसको जब बंद करेंगे। लेकिन एक स्पीकर होने के बाद भी साउंड काफी लाउड है। वैसे साउंड की असली टेस्टिंग तो गेमिंग में होती है, तो चलिए करते हैं गेमिंग टेस्ट। गेमिंग के लिए हमने दो बहुत ही तगड़े गेम डाउनलोड किए हैं, BGMI एंड कॉल ऑफ ड्यूटी। ग्राफिक तो ठीक लग रहे हैं मुझे, कॉल ऑफ ड्यूटी में कैसे ग्राफिक्स आते हैं, इसमें भी ग्राफिक तो ठीक ही लग रहे हैं। स्पीकर एक ही, अगर आपने यहाँ पे हाथ रख दिया तो ये दब जाएगा,
तो हल्का सा स्टाइल से खेलना पड़ेगा ताकि ये स्पीकर दबे नहीं। स्मूथनेस थोड़ी सी कम लगी मुझे, जो प्रोग्रामर्स को चाहिए, लेकिन बेसिक गेमिंग आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो 500 mAh की इसमें बैटरी आती है, जिसे चार्ज करने के लिए 44 वॉट का फ्लैश चार्जर दिया गया है। तो अब इसकी 500 mAh की बैटरी कितने घंटे में इससे चार्ज होगी, चलिए वो चेक करते हैं। 10% चार्जिंग 8 से 8.5 मिनट में हो रही है, मतलब फुल चार्जिंग 1 से 1.5 घंटे में हो जाएगी। तो बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप की, तो बैक साइड में 2 कैमरा का सेटअप मिल जाएगा, जिसमें से मेन कैमरा 50 MP का 1.79 अपर्चर के साथ में आता है, अल्ट्रा वाइड कैमरा 8 MP का 2.2 अपर्चर के साथ में आता है। बात करें फ्रंट कैमरे की, तो 50 MP का 2.45 अपर्चर के साथ में आता है, जिसमें आपको आई ऑटो फोकस भी मिल जाएगा, और आई ऑटो फोकस पोर्ट्रेट में भी काम करता है, फोटोज में भी काम करता है, वीडियोज में भी काम करता है। एंड ये इसका 1x का फोटो, ये इसका वाइड एंगल, ये इसका 2x जूम। फ्रंट कैमरे की फोटो क्वालिटी, यहाँ पे आपको स्टाइलिश, ब्यूटी मोड और अपर्चर को सेट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, और फोटो में भी आपको कई सारे सेटिंग्स मिल जाती है। और इसके मोर मोड्स की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि फुल टू कैमरा टेस्टिंग का वीडियो होने वाला है। वीडियो क्वालिटी की बात करें, तो बैक कैमरे में 1080/60fps पे रिकॉर्ड होता है, यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी भी मिल जाती है। जब बैक कैमरे से शूट हो रहा है 1080/60fps पे, 2x पे इतना जूम हो रहा है, आपको क्लैरिटी दिख रही होगी। ये क्वालिटी जब सनलाइट एकदम फेस पे आ रही है, ये क्वालिटी जब सनलाइट हमारे बैक साइड में है, तो आपको क्वालिटी कैसी आ रही है। तो ये 10x का जूम है जो हमारा फेस दिख रहा है। स्लो मोशन, ये हम बैक कैमरे से नाइट में शूट कर रहे हैं, वो भी ट्रैफिक वाले एरिया में। एंड फ्रंट कैमरे की बात करें, तो फ्रंट कैमरे में आपको 1080/30fps तक ही मिलता है, 60fps का ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। और ये फ्रंट कैमरे की वीडियो के लिए कोई भी फ्लैश का ऑप्शन इसमें नहीं है, और फोटो में आपको यहाँ पे फ्लैश का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे यहाँ पे फ्लैश के लिए ये ऐसा कर लेता है। अब नाइट मोड में भी हम देख लेते हैं कि नाइट मोड में फोटो कैसी आती है। नाइट मोड की फोटो थोड़ी सी क्लियर आ रही है, तो इसकी फुल कैमरा क्वालिटी कैसी है वो तो आपको कैमरा टेस्टिंग वाले वीडियो में ही पता चलेगा। बेसिक बता दूं तो इसकी फुल HD क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी आती है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की, तो सबसे बड़ा प्रो तो इसकी डिजाइन है, जो कि बहुत ही क्लासी लगती है, कर्व डिस्प्ले है, साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, कैमरा क्वालिटी भी ठीक ठाक है, गेमिंग में भी ठीक ठाक है। एंड कॉन्स की बात करें, तो ये प्रो गेमर्स के लिए नहीं है, और ये ग्लॉसी होने की वजह से इस पे फिंगरप्रिंट बहुत ही जल्दी आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक साइड में, दूसरी साइड में ये वाला टेंशन नहीं। जिन्हें वीडियो में 4K की क्वालिटी चाहिए उनके लिए भी ये नहीं है, और ना ही इसके फ्रंट और बैक में 4K का ऑप्शन मिलेगा, जो कि इसके लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। वैसे आपको क्या लगता है, 4K की क्वालिटी होना जरूरी है या कैमरा क्वालिटी ही सफिशियंट होती है? आते हैं अपने कंक्लूजन पे, तो कम प्राइस में आपको स्टाइलिश फोन चाहिए जो बेसिक आपके नीड्स पूरी कर सके, तो आपके लिए तो बेस्ट है, लेकिन जिन्हें प्रो कैमरा चाहिए या प्रो गेमिंग करना चाहते हैं, वो इसे अवॉइड करना। और वैसे अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है, 4-5 दिन में होने वाला है, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 27,000 के आसपास की है। तो इसकी लेटेस्ट प्राइस के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जब भी लॉन्च होगा मैं उसे अपडेट कर दूंगा, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। अगर आप इसे ऑफलाइन मार्केट में देखना चाहते हो, आप खंडवा शहर से हो, तो खंडवा क्रोमा का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उन्हें कॉन्टेक्ट करके इसे बुक भी करवा सकते हो, इस पे क्या ऑफर्स चल रहे वो भी आप पूछ सकते हो। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाले ढेर सारे अनबॉक्सिंग और कैमरा टेस्टिंग वाले वीडियो के लिए। और नेक्स्ट वीडियो कैमरा टेस्टिंग का होने वाला है, तो उसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।